हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरके क्रेजी प्रोडक्ट में आपका स्वागत है। और आज आपके सामने एक नई आइटम लेके आए हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमारी गाड़ी नेक्सोन है और इसके लिए हमने आर्मरेस्ट मंगवाया है अमेज़न से और ये करीबन हमें 700 रुपये का पड़ा है। और देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके इसका रिव्यू कि किस तरह की क्वालिटी है और किस तरह लगता है दिखने में, कैसा नज़र आता है। क्योंकि अगर हम कंपनी का आर्मरेस्ट लेने जाते हैं तो बहुत ही महंगा है, करीबन 6000 के लपेट में है और ये हमें 700 रुपये का पड़ा है। देखते हैं लगा कैसे किस तरह से इसकी अनबॉक्सिंग करके। जैसा आप देख सकते हैं अमेज़न से आया हुआ है और इस किस्म की इसकी पैकिंग है, बाकी तो इसके अंदर कुछ नहीं है। टेपिंग कर रखी है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, बाकी देख सकते हैं आप ये 3 पेच दिए हैं इसके अंदर जिसके साथ हैं और ये इसकी क्लिप है। और जैसा आप देख सकते हैं वाह, बहुत ही सुंदर है ये, 700 रुपये के हिसाब से क्वालिटी सही लग रही है मुझे, जैसा आप देख पा रहे हैं। और जैसा आप देखिए ये इस जगह यहाँ फिट हो जाएगा ये, और ये इस तरह से फिट होगा, देखने में कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी फिटिंग है इसकी और हम इसको फिट करेंगे और देखेंगे किस तरह से लगता है। और इसके लिए हम डबल टेप का भी इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए इसको इस तरह से इसको हटा दीजिए, ये जो इसके पेच हैं इसके काम आएंगे। और जैसा आप ये देख रहे हैं क्लिप, चाहे तो आप इसे बाहर लगाए लेकिन बाहर ना लगा के इसको इसी के साथ हमें अंदर फिट करना है। और उसे सही फिटिंग करने के लिए आप एक 3mm की टेप ले लीजिए इस तरह से, जैसा आपको नज़र आ रही है, इससे ना बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे एक टेपिंग ही लगा लीजिए आप, देख रहे हैं, और एक टेपिंग और लगा लीजिए इससे, जिससे ना आपका ये बहुत अच्छा चिपका रहेगा और उखड़ेगा भी नहीं, ना हिलेगा डुलेगा। क्योंकि अगर आप इसे वैसी पेच खींचेंगे तो मेरे हिसाब से इसकी सेटिंग आउट हो जाएगी। इसे बहुत अच्छी तरह चिपका लीजिए जैसा आप देख पा रहे हैं। और इसकी टेप भी हटा लीजिए आप, जैसे नजर आ रही है, देख रहे हैं। और जो आपका ये है, अगर हम इसको बाहर रखते हैं तो ये टेपिंग इस पर नहीं आ पाएगी। तो इसका सलूशन क्या किया जाए, तो आप एक चीज़ देख लीजिए इसको आपको कहाँ रखना है। मेरे हिसाब से ये सेटिंग इसके एकदम एक्यूरेट है और इसको ना बिल्कुल सेंटर में ले लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी सिलाई भी चेक कर लीजिए जिससे कोई प्रॉब्लम ना है, अभी बिल्कुल सही सेंटर में। फिर इसको आप इस तरह से प्रेस कर लीजिए बिल्कुल, जिससे आपकी 3mm की जो टेप है चिपक गई और ये नहीं चिपकी इस पर, क्योंकि इस पर शायद हमने पॉलिश लगा रखी है, इसकी चिपकन खत्म हो चुकी है, हमें नई लेनी पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं हमारी टेप वाली काम नहीं कर पाई, अब के हम ये वाली टेप लाए हैं जो डबल टेप है, और अब के ना हम इसको इस एरिया को कपड़ा साफ करेंगे जिससे इस पर अच्छी तरह से चिपक जाए। वो तो हमारी चिपक पाई नहीं। इसकी चिपकन अच्छी है, वो शीशे वाली टेप थी शायद, लेकिन काम नहीं करी हमारी। हमारी ये टेप सबसे बढ़िया, अभी हमने बिल्कुल एक सार काट लिए
इसको इसी तरह से फोल्ड रखते हैं गाड़ी का ना, आपको बैलेंस देखना है कि कहाँ आपके लिए एकदम सही रहेगा। चाहे आप इसको इस तरह से कर लीजिए, इससे ये जो कोने देख रहे हैं आपको, इससे आगे आगे मत निकालना इसको, ये बीच सेंटर में रख लो इसके। और इसको रखने के बाद इसकी आप सेटिंग कर लीजिए, मेरे चिपक रहा है बहुत तगड़ी टेप है। और इसको इस तरह से मार दीजिए जिससे चिपक जाए, और फिर आप इसको देखिए फोल्ड, ये खुल गया। अब हम इसको यहाँ पेच खींच सकते हैं। पहले अच्छी तरह चेक कर लीजिए ओके है नहीं है, किस तरह से लग रहा है जरा दिखाओ मुझे, दिखाओ। देखिए आप जरा किस तरह से आर्मरेस्ट लग रहा है, देखने में बिल्कुल ओके लग रहा है मेरे हिसाब से। मैं आपको इसे ऊपर से भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए फिटिंग अच्छी है, आर्मरेस्ट भी बढ़िया है। और इसके पीछे कपड़ा चाहे तो आप इसे काट दीजिए या इसे रख लीजिए, ये इसके पीछे आप देख पा रहे हैं ये दिख रहा है, इस कपड़े को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखते हैं इसको यहीं फिट करना है या नहीं करना। पोजीशन आ गई है इसकी आर्मरेस्ट की, मुझे तो सही लग रहा है, आराम से हाथ भी रख सकते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है, और कोई बच्चा बैठना चाहे तो वही बैठ सकता है। सेंटीमीटर थोड़ा पीछे करके देखें, आप ये देखिए किस तरह से लग रहा है आमरे, कैसा लग रहा है बच्चों? बढ़िया, सही है फिटिंग, अजीब तो नहीं लग रहा? नहीं। नहीं नहीं। अरे ये कपड़ा भी अजीब नहीं लग रहा, छोड़ो ये कस देते हैं इसको, है अपनी गाड़ी में राख करना दुख से बहुत हो रहा है, लेकिन आर्मरेस्ट लगाना जरूरी है, इससे आराम भी बहुत मिलता है, फिटिंग भी अच्छी आती है। बेटा पेच कस दो, बस को थोड़ा पेज खींचने में दिक्कत हो सकती है, देखते हैं ट्राई मार के पेज कैसे खींचेंगे। पेज का दूसरा छोटा इसमें लग, तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि इसके अंदर हमें पेज खींचना ही है, और इसमें पेज खींचने के बाद ये मजबूत हो जाएगा। और ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, हम इसको यहाँ मैग्नेट लगा सकते हैं, और एक मैग्नेट हम इस पर फिट करेंगे, है ना, और मैग्नेट से हमारा ये यहाँ चिपक जाएगा, यहाँ आराम से एक बच्चा बैठ भी सकता है, और ये फोम बहुत बढ़िया है इसके। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप इसे खरीद लीजिए, और बहुत ही अच्छा आर्मरेस्ट है, क्योंकि मैंने और शॉप पर भी देखा है ये दोबारा। और जैसे आप देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे ना ये तीन पेज खींचने हैं इसके अंदर, और हम तो फिलहाल पेच नहीं खींच रहे इसके अंदर, क्योंकि मुझे गाड़ी में सुराख करने का मन नहीं कर रहा है, हमने इसे डबल टेपिंग चिपका दिया, बहुत मजबूत चिपका हुआ है। और एक काम करेंगे, देखो इस कोने में हम एक मैग्नेट फिट करेंगे यहाँ पे, और एक इस कोने में मैग्नेट फिट करेंगे, जो इसे फोल्ड करने के बाद ये यहीं चिपक जाएगा, और कोई भी बच्चा बैठ सकता है, है ना, तो ये आराम से फिट भी हो जाएगा, और हमें ना हाथ रखने परेशानी है। यहाँ देखिए आप हैंड ब्रेक पूरी खींच रखी है, जिसमें यहाँ बहुत अच्छी गैपिंग है। मुझे तो आर्मरेस्ट ये अच्छा लगा, आप भी इसे खरीदिए, परचेज कीजिए, बहुत अच्छा आर्मरेस्ट है, बाजार से ही बढ़िया है, और कंपनी से आप लेंगे उससे बहुत बढ़िया, इसकी सिलाई भी बहुत अच्छी और फोम भी बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो में ये समाप्त करते हैं, और आगे हम आपके लिए ऐसी नई नई जानकारी लेके आते रहेंगे। हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज की वीडियो में ये समाप्त करते हैं, बाय बाय दोस्तों।